तो गाइस फाइनली हम लोग जा रहे हैं वाटर पार्क। तो ये बैग रख लिए, इसमें कुछ सामान रख लिए हैं, तो चलते हैं छपाक वाटर पार्क। चलिए, एंड यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी आम का पेड़ है। सो गाइस तो हम लोग रोड पर आ चुके हैं और यहाँ से ऑटो पकड़ कर जाएंगे सबसे पहले अपने दोस्त के यहाँ, उसके बाद वहाँ से स्टेशन जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, ऑटो पकड़ने चलते हैं। तो गाइस फाइनली ऑटो मिल चुकी है और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अपने फ्रेंड के यहाँ। तो इसको बोलते हैं सिपारा बाईपास पुल, यहाँ से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस तो ये है मेरे दोस्त का गली और यहाँ से मैं जाऊँगा उसके घर। और दो दोस्त हैं, हम लोग तीन बंदे जा रहे हैं, तो उन तीनों को उठाएंगे, दोनों को उठाएंगे। ये वाली गली है गाइस। सो गाइस तो फाइनली अपने फ्रेंड के घर पे आ चुका हूँ और यहाँ पर बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ। 5 से 10 मिनट लगेंगे उन लोग को निकलने में। और ये देख सकते हैं उसका रूम है, गेस्ट रूम जो कि, तो बोर हो रहे हैं, 5-10 मिनट लगेगा, तो थोड़ा बहुत गेम खेल लेते हैं गाइस। चलिए, यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो चुका है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। यहाँ पे हमारा एक और दोस्त आ चुका है जो कि देखिए मोबाइल चलाने में लगा हुआ है, एक को आने में बाकी है, तो इंतजार करते हैं। तो जो हमारा दोस्त है ना, वो एक गेमर है जिसका वहाँ पे पीसी वगैरह रखा हुआ है। एंड ये देखिए हमारा दोस्त है जो कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, वो पीसी है जिस पर वो गेम खेलता है। तो गाइस जब मैं ब्लॉग शूट कर रहा था तो इसने भी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, देख सकते हैं मैं कैसे अपने ब्लॉग को शूट करता हूँ। तो गाइस हमें यहाँ पे एक जिम का सामान मिला, तो थोड़ा बहुत जिम करने के बाद हम निकलने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। सो गाइस तो हमें ऑटो फाइनली मिल चुकी है यहाँ से मीठापुर के लिए, वहाँ से हम लोग जाने वाले हैं स्टेशन। तो गाइस यहाँ से हम लोग को गुमटी पार करनी पड़ेगी क्योंकि ट्रेन आ रही है, तो चलिए चलते हैं। और इधर से ही हम लोग शॉर्टकट लेके पटना जंक्शन पहुँच जाएंगे, तो चलिए चलते हैं। और ऊपर में पुल का काम भी हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो गाइस फाइनली हम पटना जंक्शन में एंटर कर चुके हैं जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर हैं, और हमारी ट्रेन आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। तो चलिए यहाँ से हम शॉर्टकट लेंगे, देख सकते हैं गाइस इधर से हम लोग शॉर्टकट ले रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, ट्रेन हमारी आने वाली है, तो जल्दी से चलते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग को ट्रेन मिल चुकी है और सीट ढूंढते ढूंढते हम लोग आगे पीछे हो रहे हैं, जो कि हमें कहीं पर भी सीट नहीं मिल रही है, जहाँ खाली मिलता है वहाँ बैठ जाएंगे। चलिए, सो गाइस फाइनली हम तीनों को सीट मिल चुकी है, यहाँ पर मैं हूँ, तीनों को अलग अलग सीट मिली है और अभी तक ट्रेन नहीं खुला है। तो गाइस हमारी ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है, तो देख सकते हैं यही है पटना जंक्शन का व्यू, जो कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है। यह है पटना जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1, तो आप लोग भी देख लीजिए कैसा है हमारा पटना जंक्शन। और आगे जाकर इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोग को भी देखने को मिलेगी, तो चलिए आगे हम लोग व्यू देखते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं सारा कुरियर जो कि ट्रेन से आता है, बार बार जगह से आता है, अलग अलग स्टेट से। यहाँ पे बहुत सारा कुरियर का सामान रखा हुआ है, देख सकते हैं, जो कि सब ट्रेन से उतरता है। तो गाइस फाइनली पटना जंक्शन ख़त्म हो चुकी है, इतना बड़ा स्टेशन है गाइस। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं राजेंद्र नगर टर्मिनल पे, जो कि पटना जंक्शन के बाद का एक जंक्शन है, जो कि काफ़ी पॉपुलर जंक्शन है और यहां पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। तो गाइस जिस जगह पे अभी हम लोग आए हुए हैं वहाँ पर देख सकते हैं एक भी स्टेशन नहीं है, इसलिए ट्रेन कहीं पर भी नहीं रुकेगी। और ये पटना का हाईवे एरिया है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो गाइस हमारा स्टॉपेज आ चुका है, देख सकते हैं ये स्टेशन का नाम है बंका घाट, और यहाँ पे हम लोग फाइनली उतर चुके हैं अच्छी तरह से। और यहाँ से हम लोग टैक्सी वगैरह पकड़ कर तीनों दोस्त जाएंगे वाटर पार्क, तो देखते हैं टैक्सी वगैरह मिलता है कि नहीं और आगे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट में हम लोग निकल चुके हैं और यहाँ पर ऑटो वगैरह लगी हुई है, तो चलिए ऑटो वाले से पूछते हैं वहाँ तक जाएगा कि नहीं। छपाक वाटर पार्क जाना है।
सो गाइस यहाँ से डायरेक्ट ऑटो नहीं जाती है, इसलिए हम लोग को रिजर्व करना पड़ा ये जो कि टुक टुक है, हवा हवाई जिसको बोलते हैं। और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट जाने वाले हैं छपाक वाटर पार्क जो कि रिजर्व में, तो चलिए चलते हैं। चल नहीं है गाड़ी, 10 बजे से खुलता है, आप खुलेगा। तो गाइस फाइनली हम लोग को छपाक वाटर पार्क दिख चुका है जो कि वहां पर सीधे, और यहां से हाईवे है NH हाईवे, नेशनल हाईवे, जो कि पूरा बिजी रहता है। और यहां से हम लोग टर्न ओवर कर रहे हैं, वो देख सकते हैं सामने हम लोग को छपाक वाटर पार्क दिख रहा है। यहां से मुड़ा रहे हैं हमारे ऑटो वाले भैया और वहां पे हम लोग को जाना है, तो चलिए फट से चलते हैं और जाके हम लोग एंट्री वगैरह करेंगे, तो चलिए चलते हैं। और गाइस देख सकते हैं यहाँ पर अभी तो भीड़ वगैरह नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी खुलने का टाइम भी नहीं हुआ है, 10 भी नहीं बजे हैं सुबह के, 10:30 में वहाँ खुलता है, तो चलिए अंदर जाके जो पता चलेगा। यहाँ से देख सकते हैं बाहर से देखने में तो काफ़ी शानदार लग रहा है गाइस, और हम लोग उसके गेट पर फाइनली आ चुके हैं, तो चलिए चलते हैं। और टाइम हो चुका है, 10 बज चुका है टोटली, और यहाँ पे फाइनली हम लोग को छपाक वाटर पार्क ओपन मिला। हम लोग को तो डर लग रहा था कि कहीं बंद ना रह जाए, ये देखिए गाइस ओपन है और अंदर में आदमी लोग भी खड़े हैं, तो चलिए चलते हैं। चलो भैया के पेमेंट कर दो। ठीक है भैया। तो गाइस फाइनली हम लोग ऑटो पर से उतर चुके हैं और यहाँ से हम लोग एंट्री कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी नहीं अभी दिख रहा है, नॉर्मली 100 लोग होंगे। तो गाइस पार्ट 1 यहीं तक के लिए, बाकी आप लोग पार्ट 2 में देखिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में।